हेलो पार्टनर्स, ये वीडियो आपकी ऐप ट्रेनिंग के रिगार्डिंग है। जब आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से अपनी ऐप में लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आपको ये होम पेज शो होता है, जिसमें सबसे ऊपर आपको आपका नाम शो हो रहा होगा। इसके बाद आपको आपकी बेसिक डिटेल्स सबसे पहले चेक करनी है, जिसके लिए आप ऊपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर ये तीन डॉट्स के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रोफाइल में जाने के बाद आप अपना नाम, फ़ोन नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें। सेकेंड पे आप माय अर्निंग्स में जाके आप अपनी सारी अर्निंग की डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग्स में आपके जितनी भी अर्निंग हुई होगी वो आपको यहाँ पे शो होगी। पेनल्टीज़ में अगर आपको कोई पेनल्टी लगी होगी तो वो यहाँ पे शो होगी। कैश कलेक्टेड में आपने जितना भी कैश कलेक्ट किया होगा कस्टमर से इफ़ अगर, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। बैक जाकर हम हमारी बेसिक डिटेल्स भी ज़रूर यहाँ से चेक कर लें। बैंक डिटेल्स एंड जीएसटी पैन में जाके यहाँ पे आपका पैन नंबर, आपके अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड गिवन है, ये आप एक बार ज़रूर वेरीफाई कर लें। इफ़ अगर इनमें कोई भी मिस्टेक है तो अपने सिटी पीओसी से ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो आपको आपके पेमेंट में इशू आएगा। हम दोबारा होम पेज पर जाते हैं। यहाँ पे वीकली जॉब रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि उस पूरे हफ्ते आपने कितनी जॉब्स एक्सेप्ट की है, कितनी रिजेक्ट की है और कितनी मिस की है। टोटल जॉब्स ऑफर टू यू में आप देख सकते हो कि हमारी तरफ से आपको कितनी जॉब इस हफ्ते दी गई थी। वीकली अर्निंग रिपोर्ट से आप देख सकते हो कि आपने इस पूरे वीक में कितना अर्न किया है या कितना कमाया है। माय सब्सक्रिप्शन में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये 26 जनवरी को आपको आपका लीव अप्लाई करना है तो आप इस पर क्लिक करो, कन्फर्म करो और आपकी लीव इस दिन अप्लाई हो जाएगी। आप फिर से इसमें जाकर देख सकते हो कि आपकी इस दिन के लीव लगी हुई है, आप नॉट वर्किंग हो। इफ़ अगर आपको इस दिन काम करना है तो आप इसके ऊपर फिर से क्लिक करके इसको वर्किंग करके कन्फर्म कर दीजिए, आपका उस दिन का लीव हट जाएगा। रेफ़र एंड अर्न ऑप्शन यहाँ पर भी है, आप इसमें जाके भी सेम वैसे ही यहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं। हेल्प में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा, आप इसको डायल करेंगे तो आप हमारे हेल्प सेंटर को कॉल कर सकते हैं। माय जॉब्स में जाने के बाद आपको आपकी सारी जॉब्स दिखती है जो आपने एक्सेप्ट की हुई होती है, वो लीड्स। ऑल जॉब्स में सारी दिखेगी, टुडेज़ में जो आज की आपकी एक्सेप्टेड जॉब्स होगी वो दिखेंगी, टुमारो में जो आपने कल की कोई जॉब एक्सेप्ट कर रही होगी वो दिखेगी। आई होप आप सबको आपकी ऐप के बारे में इतनी जानकारियाँ समझ आई हो। थैंक यू। हेलो पार्टनर्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपनी लीड्स एक्सेप्ट करनी है और सारी प्रोसेस फॉलो करते हुए किस तरीके से उसको कम्प्लीट करना है। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल ओपन करेंगे, लीड्स में आपको आपकी सारी नोटिफाइड लीड्स शो होंगी, जिस तरीके से यहाँ पे एक लीड शो हो रही है। आप इस पर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो लीड है वो किस टाइम की है, क्या डेट की है, क्या डिस्क्रिप्शन है, किस चीज़ का वहाँ पे काम है और कस्टमर का क्या लोकेशन है, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। आपको अगर कस्टमर का लोकेशन गूगल मैप पे देखना हो, उनका एग्जैक्ट एड्रेस, तो आप यहाँ पे बैक जाकर लोकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आप अगर इसको स्टार्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पे गूगल लोकेशन ट्रैक होने लग जाएगा कस्टमर के घर तक का, और आप इसको यूज़ करते हुए उनके घर तक जा सकते हैं। यहाँ से बैक करते हैं। अब यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको डिटेल्स में जाना है। नीचे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक एक्सेप्ट और एक रिजेक्ट। अगर आपको लीड एक्सेप्ट करनी है तो आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस जॉब को एक्सेप्ट करेंगे, ये जॉब अब आपको माय जॉब्स में शो होगी, बिकॉज जॉब आपकी एक्सेप्ट हो चुकी है। आप इसको क्लिक करके इसका डिटेल्स फिर से चेक कर सकते हैं। अब ये जॉब स्केड्यूल्ड है, ऊपर लिखा आ रहा है। यहाँ पे नीचे असाइन पार्टनर पे क्लिक करके माय सेल्फ में जाने के बाद आपको कंटिन्यू करके ये लीड जो है वो खुद को असाइन करनी होती है। अब ये लीड आपको असाइन हो गई है। सबसे पहले लीड असाइन होते ही आप कॉल पे क्लिक करके कस्टमर को कॉल करें और उनसे एक बार रीचेक करें कि दैट आपने एक जॉब बुक करी थी इस डेट की और इस टाइम की सर, और मैं इस टाइम पे आपके पास अवेलेबल होऊंगा। जो भी बात हुई हो कस्टमर के साथ वो आप यहाँ पे अपडेट स्टेटस में जाके
अपडेट कर सकते हैं। अगर कस्टमर ने लीड को रीस्केड्यूल करा है तो आप रीस्केड्यूल पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर कस्टमर कैंसिल करने के लिए आपको बोलता है तो आप कैंसिल पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर कस्टमर का कॉल नहीं लगता है या अनरीचेबल होता है तो आप अनरीचेबल पे क्लिक कर दीजिए। से बैक जाएंगे कंटिन्यू पे। अब अगर आप इसी टाइम पे जब नेक्स्ट डे जा रहे हैं या जिस भी टाइम के आपका जॉब है आप जा रहे हैं तो आप जाइए और स्टार्ट जॉब पे क्लिक कीजिए कस्टमर के घर पे जाने के बाद। जैसे ही आप स्टार्ट जॉब पे क्लिक करते हैं आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन में आपको अपनी सेल्फ़ी और अगर आपके साथ कोई हेल्पर या कोई और टीम मेंबर गया है तो आपको उनकी फ़ोटोज़ डालनी होती है। और नीचे दो ऑप्शन जो दिए गए हैं वहाँ पे आपको अपनी एसी के बिफ़ोर सर्विस की फ़ोटोज़ डालनी होती है काम करने से पहले की, ठीक है। जैसे कि ऊपर वाले में आपको सबसे पहले अपनी सेल्फ़ी डालनी है। हम जैसे उसके अंदर हम ऐसे क्लिक करते हैं, इस तरीके से आपको अपनी एक सेल्फ़ी डालनी है, इसमें क्लिक करना है, ओके कर देना है। अगर आप अकेले गए हैं तो आप सिर्फ अपनी फ़ोटोज़ भी यहाँ पे डाल के छोड़ सकते हैं। ऐसे ही नीचे दो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वहाँ पे आपको एसी की डालनी है, बिफ़ोर सर्विस की। इस तरीके से उसके ऊपर क्लिक करना है और ऐसे एक बिफ़ोर सर्विस के एसी की फ़ोटो लेनी है और ओके करके यहाँ पे अपडेट कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। फिर एक ओटीपी जाएगा कस्टमर के पास, आपको कस्टमर से वो ओटीपी लेना है और यहाँ पे फिल करना है अपनी जॉब को स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट जॉब करना है। ये आपकी जॉब अब स्टार्ट हो गई है, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है स्टार्ट द जॉब, यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। अगर किसी बाय चांस किसी भी वजह से सेम डे पे आपकी जॉब नहीं कंप्लीट हो पा रही है या नेक्स्ट डे के लिए वो कंटिन्यू हो रही है तो आप नीचे दिया हुआ अपडेट स्टेटस पे जाके जॉब पोस्ट पे क्लिक कर सकते हैं, वो जॉब वहीं पे पोस्ट हो जाएगी। वरना आप कंप्लीट करने के बाद कंटिन्यू करो, अगर उसी दिन सेम डे आपके कंप्लीट हो गए तो आप कंटिन्यू करो। यहाँ पे अब आपको आफ्टर जॉब की फ़ोटोज़ डालनी है एसी की, जब आपने अपनी जो भी जिस भी चीज़ की जॉब हो, सर्विस या इंस्टॉलेशन, वो कंप्लीट हुआ और आपने कर दिया। इस तरीके से आपको आफ्टर जॉब के एसी की फ़ोटोज़ अपडेट करनी है। ऐसे ही आप बाकी 2, 3 या 4 फ़ोटोज़ भी डाल सकते हैं एसी की और कंटिन्यू करना है। अब आपकी जॉब कंप्लीट हो गई है। अगर किसी भी वजह से आपकी जॉब उस दिन कंप्लीट नहीं हुई है तो आप नॉट कंप्लीटेड पे भी क्लिक कर सकते हो। जॉब कंप्लीट हो गई है तो आप जॉब कंप्लीटेड पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है आपको। कंटिन्यू यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन आता है एडिशनल कॉस्ट ऐड करने का। अगर किसी भी वजह से कोई भी एडिशनल कॉस्ट अगर हो रही है, जैसे कि कोई स्पेयर पार्ट की या फिर इंस्पेक्शन के बाद जो भी आपका सर्विस चार्ज हुआ है या फिर अगर कोई एडिशनल सर्विस ऐड करवाया है कस्टमर ने, तो आप यहाँ पे कॉस्ट टाइटल में वो चीज़ मेंशन करके, जैसे सपोज़ अगर स्पेयर पार्ट है तो स्पेयर पार्ट मेंशन करके जितना भी अमाउंट आपका एक्स्ट्रा हुआ है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐड ऑन सर्विस पर क्लिक करना जो ऊपर दिया हुआ है, वो ये कॉस्ट आपके उनकी सर्विस में ऐड हो गई है जो अभी उनको और पे करना है कस्टमर को। ऐड ऑन पे क्लिक कीजिए, ऐड एक्स्ट्रा सर्विस कीजिए। अब टोटल अमाउंट उनका 300 हो गया, जिसमें से 175 उन्होंने पहले से पे किया हुआ था कस्टमर ने, 125 एडिशनल कॉस्ट है स्पेयर पार्ट्स का। इस तरीके से आप अपना अमाउंट यहीं पे फिल आउट करके जॉब कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद कस्टमर के पास एक लिंक जाता है अपनी एडिशनल कॉस्ट पे करने के लिए, उस लिंक पे वो क्लिक करके अपनी बाकी की बची हुई पेमेंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट टू बी पेड 125, मतलब 125 अभी कस्टमर की तरफ से पेंडिंग है पे करना, वो वहाँ से उस पर पे करते हैं और आपके पास पेमेंट आ जाती है पूरी सर्विस की आपके पे आउट में। पूरा आप ट्राई कीजिएगा कि कस्टमर से बिल्कुल भी कैश आपको नहीं कलेक्ट करना है, बिकॉज़ अगर आप कस्टमर से कैश कलेक्ट करते हैं तो ये सेम लिंक आपके पास आएगा और आपको पे करना पड़ेगा, आपको कस्टमर के बिहाफ पे फिर वो पेमेंट जो आपने कैश में लिया होगा वो पे करना पड़ेगा। तो इसलिए कैश लेना आप अवॉइड करना और अपने ऐप के थ्रू ही एडिशनल कॉस्ट ऐड करना और कस्टमर को ऑनलाइन ही पेमेंट करने देना।
और अपनी जॉब इस तरीके से कंप्लीट कर देना। आई होप आप सबको समझ आया हो कि आपको कैसे जॉब स्टार्ट करनी है और सारे प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए किस तरीके से उसको कंप्लीट करना है।